जय माता दी। दोस्तों, आने वाले करवा चौथ व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत जो है वो करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं करवा चौथ के बारे में। जो हम करवा लेते हैं पूजा के दौरान, उस करवे में क्या भरना चाहिए, क्या शुभ माना गया है भरना, आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। तो चलिए आज बता देती हूँ आप सबको कि करवा में जो है वो क्या भरना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहले की जो भी माताएं बहनें हैं वो एक करवा लेती थी, जैसे कि मैंने एक वीडियो बना के डाल दिया है, थोड़ा सा इस वीडियो में भी बता देती हूँ। पहले की जो माताएँ बहनें हैं, पुरानी बुज़ुर्ग माताएँ बहनें, वो करवा चौथ का व्रत करती हैं तो एक ही करवा जो है वो लेती हैं, क्योंकि एक करवा अपनी देवरानी या जेठानी के साथ वो जो है वो बदली कर लेती हैं, बदल लेती हैं, फेर लेती हैं। अभी क्या है, अभी दो करवा लेने का रिवाज हो गया है, क्योंकि देवरानी जेठानी पास में होती नहीं है, जो भी बहनें हैं वो दूर प्रदेश में रहती हैं, ऐसे में अकेले करवा किसके साथ फेरें, तो वो माता पार्वती के साथ करवा जो है वो बदल लेती हैं, फेर लेती हैं। जो पुरानी माताएँ बहनें हैं वो एक ही करवा लेती थी, समूह में पूजा करती थी और दूसरे के साथ, जैसे देवरानी जेठानी ननद जो भी हैं उनके साथ करवा बदल लेती थी। और जब अर्घ देने का टाइम आता था, मैं अपना बता दूं, मैं बचपन में देखती थी कि जब अर्घ देने का टाइम आता था तो हम लोग, जैसे भाभी लोग करती थी या हमारी चाची लोग करती थी, क्या होता था कि जैसे जब करवा चौथ किया जाता था तो एक कोई बड़े जो होते थे, जैसे बुआ हो गई या कोई दादी हो गई, मतलब इस प्रकार से एक बड़े जग में पानी लेती थी, एक बाल्टी लेती थी और फिर सबको अर्घ जो है वो दिलवाने, मतलब जैसे करवा जो है वो हमारे यहाँ घर के बाहर बड़ा चबूतरा था, उसमें पूरे मोहल्ले की औरतें इकट्ठा होती थी, उसमें जो करवा है वो फेरे जाती थी, मतलब देवरानी जेठानी जो करवा है वो लेती थी। हम लोग बचपन में मतलब पूछती थी कि देखो देखो चांद निकल आया, तो हम लोग दौड़ के जाते थे देखने कि चांद आया कि नहीं आया, फिर हम लोग वहाँ से चिल्लाते हुए आते थे हाँ चांद निकल आया, फिर सब लोग वहीं से उठ के और जो चांद निकलते थे वहाँ पर सब लोग जाती थी और एक बड़े जो जैसे दादी या बुआ या जो भी हैं चाची वगैरह जो व्रत नहीं कर रही हैं या कर भी रही हैं, तो एक दूसरे को अर्घ, मतलब जो अर्घ हमारे यहाँ लट से अर्घ जो है वो दिया जाता था, तो एक दूसरे को पानी जो है वो डाल देती थी, या जैसे दादी हैं तो वो सारी बहुओं को जो पानी है वो दे देती थी, जो लट है उसमें अर्घ जो है वो दिलवा देती थी, बताती थी सी कैसे फेंकना है, ऐसे नाम लेना है, मतलब सब बताती थी। तो इस प्रकार से जो पुराने करवा चौथ जो है वो होते थे। अभी क्या है, आज की परंपरा के अनुसार मैं बता दूँ कि आज बहुत सारे लोग परदेश में रहते हैं, उनके पास कोई है ही नहीं, जैसा उनको आता है वैसे जो है वो कर लेती हैं। पुरानी जो माताएँ बहनें हैं वो कभी चांदी से, मतलब पायल लगा लेती थी या चांदी की जो भी चीज़ें मिलती थी उससे पानी जो है अर्घ जो है वो देती थी, मतलब सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद धातु से, चांदी हो गया, चांदी से देती थी खास करके, और लट में चांदी लगा के अर्घ जो है वो मतलब अलग अलग तरीके से देती थी। अभी जो भी माताएं बहनें हैं जिनको जैसा पता है वैसे कर लेती हैं अपने घर के नियम के अनुसार, या कई बार क्या होता है कि बड़ी, जैसे मान लीजिए उनके घर में सास हैं वो नहीं कर रही हैं करवा चौथ, जो बहुएँ हैं वो नए ज़माने के हिसाब से उठा लेती हैं, तो उठा लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाना चाहिए, भाई पति के लिए है, उनके सुहाग के लिए है, और अगर जैसे कोई शांत नहीं हुआ है, उनके घर में सहता है तो उठा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं नहीं उठाएं, तो नया व्रत उठा सकती हैं और कर भी सकती हैं। अब प्रश्न ये आता है कि करवा जो होता है वो हमें करवा में भरना क्या चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ कि दो करवा लिए जाते हैं, एक करवे में पानी भरा जाता है, जो मिट्टी का करवा होता है उसमें पानी भरा जाता है। अगर आप मिट्टी के दोनों करवा ले रही हैं तो एक करवा में आप पानी भर, और एक करवा में देखिए जो एक करवा होता है उसमें या तो आप लइया भर लें, लाई जिसको बोलते हैं, खीला बोलते हैं, वो भर लें, मिठाई भर लें, चावल भर लें, या आपके घर की परंपरा के अनुसार पुए भरे जाते हैं, गुलगुले भरे जाते हैं, या केवल बतासे भरे जाते हैं, या जैसे बहुत सारे लोगों के यहाँ धान जो है, धान की जो लाई होती है वो भरते हैं, उसमें एक दो गट्टा, या मतलब गट्टे मैं कैसे बताऊँ कि एक मीठी जैसे खड़िया के आकार के गट्टा जो है वो होते हैं, तो वो भर लीजिए। आपके घर की परंपरा के अनुसार जो है वो आप डाल सकते हैं। अगर मैं बताऊं, जिन बहनों के यहाँ मान लीजिए उनको नहीं पता है कि क्या भरें, तो आप लाई डाल सकते हैं या थोड़े से चावल डाल लें और उसके ऊपर से मिठाई जो है वो डाल लें। वैसे लाई और जो मिठाई है वो भी भरना शुभ है। कुल मिला के अगर लइया नहीं है, लाई नहीं है, तो आप थोड़े से चावल डालें उसके बाद मिठाई भर लें, या आप चाहें तो गुलगुला भर लें। वैसे शुभता का प्रतीक मैं बताऊँ तो चावल से बनी लइया
लाई जो होती है वो, या अगर नहीं मिल रही है लाई तो थोड़े से चावल जो है वो ज़रूर डालें, उसके बाद मिठाई जो है वो भर लें, ये सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। और अगर नहीं है तो आप जो चावल हैं वो और बतासे जो हैं वो भर लें, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। अगर आपको पता है आपके बड़े बुजुर्ग, आपकी सास, आपकी दरांज ढानी, आपकी ननद जो भी मान लीजिए कर रही हैं शुरू से, उनको पता है कि हमारे यहाँ का रिवाज ये है, ये भरा जाता है, तो आप उस प्रकार से कर लीजिए। जैसा आपके घर में सहता है, जैसा आपके घर में चलता है, आपके घर की परंपरा के अनुसार भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ बताऊँ तो हमारे यहाँ मिठाई भरी जाती है, लैया भी डाली जाती है, आप बतासा भी डाल सकते हैं। कुल मिला के हमारे यहाँ जो लाई है वो सबसे पहले प्रथम स्थान दिया गया है, उसके बाद आप गट्टा, आप उसके बाद मिठाई या बतासे जो भी मिलते हैं वो मीठा भर लिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ लैया जो है वो ज़रूर भरी जाती है। अगर लैया नहीं है तो आप भले ही चाहें एक मुट्ठी चावल डालें, लेकिन डाले जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपके घर की परंपरा क्या है, आपके घर में कैसे करते हैं, उस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं पता है तो जैसे मैं बता रही हूँ आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक वीडियो जो है वो बना दूंगी। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपका सुहागा खंड रखें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो समाप्त कर रही हूँ। दोस्तों, जय माता दी।